कार्ड नहीं मिला। बोले मेरा पति से कोई तकलीफ है, हम आपको जब फोन की जगह हम हाजिर रहेंगे, हम अपना बाल बच्चा के लिए हम भी सोचेंगे। हाँ, तो यहाँ घर पे नहीं रहते थे? सब दिन रहते थे ना, बुला जब परपन चीती हो गया, बॉन्ड पेपर बन गया, तो सोचा ब्याह नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए हाँ। हमको बुला के सीतामढ़ी आया। कितना दिन से अलग रह रहे हैं? सर रह तो रहे 3 साल से, ये आया ब्याह कर लिया, हमारे तरफ से आया ब्याह कर लिया। हाँ, बिना कर लिया, बिना डिवोर्स के, तलाक के। 3 बच्चा है ना आपका? शादी किया तीसर का शादी दूसरा का, मतलब दूसरा नहीं, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 3-3 शादी कर लिया। तीनों के साथ बच्चा है जी, सबके साथ गलत करता है ना, 40 को भी बच्चा पैदा कर दिया, सब चीज कर दिया बिना डिवोर्स लिए जी। ऐसा बेचती है, पुला पुला के कहीं ले जाएगा, छोड़ देगा, ये सब जान नहीं सकते हैं कि ऐसा इंसान। आप थाना में केस किए थे जी? सब तर किए हैं। क्या बोले थे? दे दे के बैठा देते हैं केस को। किसके छोटे भाई से? हमको बाप नहीं है सर, भाई है, तो शादी शुदा है, तो कौन। आप यहाँ नहीं रहते थे? यही घर हुआ आपका पति का? यहाँ रहते थे? आप इनको मतलब करने के लिए थाना को सूचित किए कि हमारी बहू नहीं आ रही है, मदद किया जाए? तो ये जाओ, बुला के दादी जाओ। संजय कहाँ है? और संजय है? संजय ये थोड़ी ना के मतलब सब वो नहीं आ रही है, शादी कर ली है। सुनिए धीरे, आप तो बैठ गए, आपके घर में मेहमान आए हैं, आप ही बैठ गए। इधर आइए ना, प्रॉब्लम है कि आपको खड़ा रह सकते हैं ना, रहिए आइए इधर। कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको आराम हो आप वैसे रहिए। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल सकते हैं। और प्रेम से बातचीत करने आए हैं, मेरा ये कहना है, याफी की बेटी है ना, एकदम टू कॉपी है, कहा जाता है ना, आप नकार नहीं सकते हैं, सेम फेस है, बेटा भी ऐसा ही है। और बेटा हाँ, बहुत मिलता जुलता सब चेहरा है। एक और बेटी आ गई है, मेरी बेटी है ना, देखिए पापा है बाबू। हाँ, दूसरा बात होता है? अच्छा नहीं, कितना दिन से बात नहीं होता है? मरे मरे हो गए थे 3 साल। तो बच्चे सर से भेंट करने में गए थे, स्कूल में बच्चा सब था, इसके वो पासपोर्ट में कुर्सी की सुविधा है, अगर हो सके तो हम लोग को भी बैठने के लिए दीजिए, बैठ के प्रेम से बातचीत करते हैं, क्योंकि आप हमको अच्छा व्यक्ति लग रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझदार व्यक्ति है, बैठ के बातचीत करते हैं। जो जीवन में घटनाएं घटित हो गई, हम लोग इसको वापस नहीं ला सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि ये इनको भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था, हर परिस्थिति में थाना है, महिला आयोग है, महिला थाना है, आप वहाँ जाइए अपने हक के लिए। अरे क्या आरोप है आपको अपने पति पे? हेलो, क्या आरोप है पति से? इसका था कि मेरे हर लड़की सबसे बातचीत करता था, भर दिन हमको खाली कहते थे हम जो करेंगे वही करना होगा, जो जिसको भेजेंगे जो मर्जी होगा वही करना होगा, उल्हा पुल्हा के घर आते थे, मम्मी तो छोड़ देते थे, सिम बंद कर लेते थे, मोबाइल बंद कर लेते थे, क्या बोलेंगे, सीतामढ़ी यही रख के आए पुल्हा करके हमको, सबसे कहियो नहीं बोला आएगी की नहीं आएगी, मेरा देवर एगो डेट कर गया, तो हम खुद अपने से जानकारी हुआ था, हम आए थे यहाँ से, आपको जानकारी नहीं मिला? बोले मेरा पति से कोई तकलीफ है, हम आपको जब फोन की जगह हम हाजिर रहेंगे, हम अपना बाल बच्चा के लिए हम भी सोचेंगे। हाँ, यहाँ घर पे नहीं रहते थे? सब दिन रहते थे ना, बुला के सीतामढ़ी आया है, जब परपन चीती हो गया, बॉन्ड पेपर बन गया, तो सोचा ब्याह नहीं कर सकते है ना, इसलिए हमको बुला के सीतामढ़ी आया। कितना दिन से अलग रह रहे हैं? सर रह तो रहे 3 साल से, ये आया ब्याह कर लिया, हमारे तरफ से आया ब्याह कर लिया। हाँ, बिना डिवोर्स के, तलाक के। 3 बच्चा है ना आपका? शादी किया तीसर का शादी दूसर का, और क्या है, मतलब दूसरा नहीं, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 3-3 शादी कर लिया जी। तीनों के साथ बच्चा है जी, सबके साथ गलत करता है ना, 40 को भी बच्चा पैदा कर दिया, सब चीज कर दिया बिना डिवोर्स लिए जी। ऐसा बेचती है, पुल्हा पुल्हा के कहीं ले जाएगा, छोड़ देगा, ये सब जान नहीं सकते हैं कि ऐसा इंसान। आप थाना में केस किए थे जी? सब तर किए हैं। क्या बोले थे? दे दे के बैठा देते हैं केस को। किसके छोटे भाई से? हमको बाप नहीं है सर, भाई है, तो शादी शुदा है, तो कौन। आप यहाँ नहीं रहते थे? यही घर हुआ आपका पति का? यहाँ रहते थे? नहीं रहते थे, फिर छोड़ के कहे गए? ले गया पुल्हा के,
लेकिन मेरे बाप नहीं रहने देंगे, हम कल समाज को बैठा के हमको घर दिलवाइए, हम यही रहेंगे, यही करेंगे, खाएंगे रहेंगे। लेकिन ये फुला के ले गया, पापा नहीं रहने देगा तो पापा के घर में हक जनाएंगे, हीरो कमाएंगे। अच्छा, पांच लेडीज को लेके आई हुई थी, समझे ना, कोर्ट के सामने हम गए, हमको देख के मुकर गए, हम इनके सामने एयरपोर्ट में बहुत लोग थे वहाँ, वकील से भर गए, बहुत लेडीज लोग भर गया वहाँ, बातचीत बहस बहस हम इनको बोले आप हमारे पीटे क्या किए, कुछ नहीं है तो बोलिए, जिनका मुंह से निकल गया आप लोगों को कुछ नहीं किया, शादी नहीं किए हुए थे। अगर आप बच्चा तो कितना साल का, एक साल का बच्चा है, आप बोल रहे हैं छह महीना पहले आप शादी किए हैं, अगर आप छह महीना पहले शादी किए तो बच्चा एक साल का कैसे हो गया बताइए। माँ के गर्भ में भी बच्चा नौ महीना रहता है, बच्चा चल रहा है, यानी बच्चा एक साल का होगा तो यानी आपका शादी का दोष मेरे पापा किया जाता है गांव हाथ में, मेरे पापा पागल। अच्छा, ये पहले से दूसरे महिला पहले आई है, मेरे पापा का काम है ना, तो नहीं इनका तलाक हुआ है, झूठ बोलता है कि हम नहीं पहले पति, पहले से आप शादीशुदा हैं, इनका पति का क्या, आप पहले से शादीशुदा थे, इन्होंने जो दूसरी शादी की है ना वो महिला समाज सेवा ये कर रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए मामला अभी क्या है, हम लोग अभी समझे, सबसे बुरी बात क्या है, तीसरी है, अच्छा दूसरी कहाँ, अररिया है, तो अररिया वाली इनसे नहीं अधिकार मांगने आती है, आएगी अभी नहीं आएगी, आएगी आएगी हाँ। अच्छा उनसे शादी होके उनसे भी बाल बच्चा है, अभी बच्चा नहीं हुआ है, उसका बहन का बच्चा हुआ था। अच्छा ठीक है, इतना नहीं तमाशना है, किसी परिस्थिति में समस्या का समाधान निकालने आए हैं, परिस्थितियाँ बहुत ही आप लोग क्या ये जो बोल रहे हैं ये सब सच है, आप तीन तीन शादी किए हैं, बोलिए ना, बोलिए ना आप इधर इधर, तीन तीन शादी किए हैं, तो मेरे भाई के साथ चले गए, अच्छा ये आपके भाई के साथ हुआ, इनसे दूसरा अररिया वाली से हुआ, तो वो आपको छोड़ के चली गई, क्यों चली गई, वो डिवोर्स लिया उनसे नहीं, क्यों चली गई बोलिए, क्यों चली गई, उनका कारण बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, फिर आपने तीसरा शादी कर लिया, पहली पत्नी से तो आपका तीन तीन बच्चा है, तो पत्नी से आपको दिक्कत हो सकता है, बच्चा से थोड़ी दिक्कत होगा, बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, आपको बच्चे की क्या आवश्यकता, क्या बोले, वो लड़की से जो अररिया शादी हुआ है, सत्रह मई का शादी हुआ है, इसको बच्चा के लिए खटपटल हो गया, ये बच्चा छोड़ गया उसको, अभी छह महीने ये तीनों तीनों बच्चा है ना बाबा। अच्छा यानी कि आपको था कि मेरा बेटा भी बहुत रोती है, गरीब की बेटी है, रोती है, वो भी बदवारा हो गई, गरीब का बेटी से फटकर का फायदा उठाती है, हम भी गरीब का रहने वाली, हमको औरत ला दो है ना, तो बहू हमारी देखभाल करे, खाली हमारे माता पिता को गाली देती रहती हर समय, जो बोलने का शुरू भगवान जो मर्जी से। अच्छा सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हम बात करने आए हैं ना, करने आप यहाँ क्या है, लड़ने आए हैं तो लड़िए, हम लोग चल जाते हैं, और अगर हम समस्या के समाधान निकालने आए हैं तो हमको निकालने दीजिए, ठीक है ना। मेरा ये कहना है कि परिस्थितियाँ तो बहुत आप लोगों की बिगड़ गई, अब मेरा ये कहना है कि तीन बच्चा है आपका, मान लेते हैं ये चलिए अभी उम्र इसकी है, सिलाई कर रही है, ये कर रही है, अपनी गुजारा काट ले रही है, सुकून दिया आपका कहना है, उसमें जो बिजनेस जो लगाया किनका पैसा, अच्छा आपने ही बिजनेस लगवाया है, चलिए बहुत अच्छी बात है, मेरा ये कहना, ये बात सही है बाबू, बिजनेस आपका इन्होंने बनाया है, कई लाख दिए हैं, अरे ठीक है उसमें लाख लगने वाला नहीं है, छह महीना में सीतामढ़ी में उसमें लाख नहीं लगती है, सिलाई मशीन लिए होंगे, नहीं इनका पासवर्ड अपडेट करा दीजिए, ये बोल रही है ना, पासवर्ड अपडेट करना चाहिए, सुनिए ना मेरी बात, आपको होना चाहिए, सुनिए सिलाई का मशीन जो है वो तो कोई ज्यादा दाम का आता नहीं है, मानते एक रूम ले दिए होंगे तो वो सब तो खैर छोटा सा इनकम में ही वो व्यवस्था हो जाता है, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया, अच्छा ब्यूटीशियन भी दुकान खोल दिए हैं, अच्छा अच्छा तीन दुकान चलता है, कमाने लगी 500-1000 रुपए, इसको डेली आने लगा था, हमें को लात मार के हटा दी, अच्छा आप भी पहले वहीं रहते थे क्या, हाँ अच्छा इन्हीं के साथ थे जी, कहाँ पे बताइए, सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में, अभी इनको रहने के लिए आप घर उठ दिए हुए हैं क्या, भाड़ा पर रहती है, अब भाड़ा पे, तो इनका किराया कौन देता है,
पहले हम ही पूरा पेमेंट करते थे इनका। अच्छा, और अभी अपना खुद से जो मेहनत कर रही है उससे इनको संपर्क हो गया तब से हम छोड़ दिए। तो भाई कहाँ है आपका? भाई नहीं, हमको आप फोटो दिखाने वाले थे, फोटो दिखाने।